नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सूर्य के उत्तरायण होने पर प्रकृति की असीम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तमाम विधान बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक है रथ या आरोग्य सप्तमी, जो माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन को कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को सूर्य की जन्म तिथि भी कहा गया है। इस दिन पूजा और उपवास से आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी कहा गया है। किन लोगों के लिए उपवास व्रत या पूजा विशेष फलवती है? जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा हो, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि का हो, जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, जब बच्चे खूब बदमाशी करते हो, जिनको शिक्षा में लगातार बाधा आ रही हो या आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही, जिन लोगों को प्रशासनिक कार्य करने हो या प्रशासनिक सेवा में जाना हो, कैसे करें रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी को पूजा आराधना। सुबह उठकर स्नान करें, तत्पश्चात सूर्य और पितृ पुरुषों को जल अर्पित करें, घर के बाहर या मध्य में 7 रंगों की रंगोली बनाएं, मध्य में 4 मुख वाला दीपक रखें, चारों मुखों को प्रज्वलित करें, लाल पुष्प और शुद्ध मीठा पदार्थ अर्पित करें, गायत्री मंत्र या सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत गेहूं, गुड़, तिल, तांबे का बर्तन और लाल वस्त्र दान करें। उसके बाद घर के प्रमुख के साथ साथ सभी लोग भोजन ग्रहण करें। इसी दिन से सूर्य के 7 घोड़े उनके रथ को वहन करना आरंभ करते हैं, इसलिए इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।